हेलो स्टूडेंट्स, और एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आपके अपने इस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में अपन रिव्यू करने वाले एक और कॉलेज की, दैट इज आपको नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, ये भी वेस्ट बंगाल का एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है। तो आज अपन बात करेंगे इसकी प्लेसमेंट्स, इसकी कॉलेज फी क्या है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ये सभी डिटेल्स पे अपन बात करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो चलिए प्रोसीड करते हैं आगे। अगर पहली बार अगर चैनल पे आए होगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड तक वीडियो को देखना, पसंद है तो प्लीज लाइक करके जाना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो कॉलेज है अपना नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज। कौन कौन से पॉइंट पे सर बात करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले इसका ओवरव्यू देखेंगे, फिर कनेक्टिविटी की, आखिर में कैसे इस कॉलेज में जा सकते हैं, कोर्सेज ऑफर्ड, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करता है ये कॉलेज, मोड ऑफ एडमिशन, कट ऑफ, फीस, प्लेसमेंट, आखिर इसकी फी क्या है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, प्लेसमेंट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू देखें तो ये इंस्टीट्यूट जो है ये प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया कि प्राइवेट कॉलेज है और इसकी एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1998 है, तो काफी पुराना कॉलेज है। ओके, एफिलिएशन इसको मकाउट से मिलता है और ये टेक्नो सिटी गरिया में कॉलेज लोकेटेड है। ओके, यहाँ पे एक और लाइन मैंने लिखा हुआ है कि टेक्नो इंडिया ग्रुप का ये कॉलेज है। आपको पता है टेक्नो के नाम पे बहुत सारे कॉलेज है, टेक्नो मेन सैट लेक, टेक्नो यूनिवर्सिटी, टेक्नो इंडिया न्यू टाउन, ठीक है, तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, टेक्नो इंडिया MSIT है, तो पूरे टेक्नो इंडिया ग्रुप में सबसे पुराना जो कॉलेज है वो NSCC है। ठीक, इसकी रैंकिंग की बात करूं तो NIRF रैंकिंग इसकी 251 से 300 के बीच में है। अब बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी के ऊपर। वीडियो को पॉज करके आप कनेक्टिविटी को ध्यान से देख लेना, मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूं। तो 24 किलोमीटर है आपको हावड़ा रेलवे स्टेशन से और 15 किलोमीटर है आपको ये सिलदार रेलवे स्टेशन से। ठीक, कैसे आ सकते हैं, बस से कैसे आ सकते हैं, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन क्या है, वीडियो को पॉज करके आप देख लेना। ठीक है, चले आगे की बात करता हूं। मोड ऑफ एडमिशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि एडमिशन कैसे ले सर, तो WBCEE एग्जाम जो कि आप सभी लोगों ने आई थिंक दिया होगा, नहीं भी दिया अगर जिन स्टूडेंट ने WBCEE, आपके पास चांसेस है कि JEE मेन के थ्रू भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। ठीक, तो JEE मेन WBCEE दो एग्जाम है, जिस एग्जाम को देकर रैंक लाकर आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अगर से मेरा रैंक नहीं आता है ना JEE मेन ना WBCEE में, तो फिर कुछ सीट्स मैनेजमेंट कोटा से, 10% सीट आपको मैनेजमेंट कोटा से अवेलेबल होती है। अगर इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए कि मैनेजमेंट कोटा से डायरेक्ट एडमिशन कैसे लें, तो स्क्रीन पे नंबर दे रहा होगा, आपको डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेना, या फिर नीचे गूगल फॉर्म होगा, गूगल फॉर्म जाके फिल कर लेना। ठीक है, चले अब बात करते हैं कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करते हैं कॉलेज। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सबका फेवरेट ब्रांच, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोनों सेम ही होता है, मैं बार बार वीडियो में बोलता हूँ, ज्यादा फर्क नहीं होता कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग CSE AIML ये भी सेम ही होता है। ठीक है, CSBS कंप्यूटर साइंस बिजनेस सिस्टम, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी इसके अंदर है, और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ये एक एक्स्ट्रा ब्रांच है इसके अंदर। ठीक, अच्छा अब बात कर लेते हैं कट ऑफ के ऊपर जल्दी से, क्या कट ऑफ होता है, मतलब सर कितना रैंक करना पड़ेगा WBCEE के अंदर। ये मैंने WBCEE का कट ऑफ दिखा रहा हूँ, JEE मेन का कट ऑफ नहीं दिखा रहा। ठीक, JEE मेन का भी मैंने कट ऑफ शायद आपको इन्फॉर्म किया वीडियो के अंदर, आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएगा, JEE मेन रिलेटेड वीडियोस या कट ऑफ वीडियोस के नाम से प्लेलिस्ट होगा, उस प्लेलिस्ट को ओपन करोगे तो JEE मेन का कट ऑफ भी दिख जाएगा इस कॉलेज के लिए। ठीक है, आप जाके देख सकते हो। ओके, चले अब बात करें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें तो 12,000 मतलब 12K के अंदर क्लोज हो जाता है। ओके, अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर TFW अवेलेबल है कि नहीं, तो TFW भी बिल्कुल इसके अंदर अवेलेबल है। ठीक, अच्छा IT की बात करो तो 22K के अंदर क्लोज हो जाएगा, AIML की बात करो तो 30K अप्रॉक्स मान सकते हो, 30K के अंदर AIML क्लोज हो जाएगा। ओके, बाकी सभी ब्रांचेस का आप यहाँ पे देख सकते हो। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज प्लेसमेंट्स के ऊपर। तो प्लेसमेंट इसका ऑफिशियल वेबसाइट से मिला 60 LPA हाईएस्ट, ऑफिशियल वेबसाइट से मिला। ये जो मैंने फोटो नीचे चिपका रखी है ना, ये ऑफिशियल वेबसाइट का है। ठीक है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि 60 LPA इसका हाईएस्ट है और जो एवरेज है दैट इज आपको 6.05 LPA। तो प्लेसमेंट तो बहुत अच्छा है इसका 2022 में इसने प्लेसमेंट में बहुत अच्छा अपने आप को दिखाया है। ठीक है, और बहुत अच्छा इसका प्लेसमेंट हुआ भी है 2022 में, आप देख सकते हो ये ऑफिशियल वेबसाइट का डेटा है। ओके, अब बात करें टॉप रिक्रूटर्स कौन कौन से हैं, तो ITC है आपको, बाइजूज है और आपको चेक है, और यहाँ पे देख सकते हो कॉग्निजेंट है, TCS है, इंफोसिस, विप्रो। ठीक है, तो ये सभी कंपनीज जो है वो मेजर रिक्रूटर हैं इस कॉलेज की, आप वीडियो पॉज करके कंपनीज भी देख सकते हो कौन कौन सी कंपनीज आती हैं। ठीक, फैसिलिटीज की बात करते हैं, लैब्स है बिल्कुल और बहुत अच्छा लैब्स है इस कॉलेज का। ठीक, कुछ फोटोज दिखा दो, तो ये फोटोज है आपका, ये वर्कशॉप लैब बच्चे कर रहे हैं, फिजिक्स लैब, इलेक्ट्रिकल लैब,
तो फोटो आप वीडियो पॉज करके अच्छे से देख सकते हो। ठीक, कुछ और पिक्चर्स है मेरे पास, ये आपका प्रोग्रामिंग लैब का है, तो आप देख सकते हो अच्छे से पूरा आपको दिख रहा होगा कि एसी भी सभी चीजें अवेलेबल है इसके अंदर, तो प्रोग्रामिंग लैब भी बहुत ठीक ठाक है इसका। ओके, और कुछ बात कर ले तो लाइब्रेरी भी इसके अंदर मिल जाएगा आपको, लाइब्रेरी में वाईफाई एसी फैसिलिटी सभी चीजें मिल जाएंगे। हॉस्टल फैसिलिटी इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है कि जो स्टूडेंट बाहर से जाते हैं उसमें उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि, लेकिन फिर भी पास में पीजी वगैरह अवेलेबल है बिल्कुल अच्छे, मतलब लो कॉस्ट में पीजी में सभी चीजें अवेलेबल है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, देयर आर सो मेनी पीजी मेस एंड फ्लैट्स अवेलेबल नियर बाई दी कॉलेज। हॉस्टल नहीं है तो क्या हुआ, रहने की फैसिलिटी आपको पूरी मिलेगी। ठीक, अच्छा, स्पोर्ट्स एंड फेस्ट की बात करें तो एनुअल कल्चर फेस्ट यहाँ पे मेस्मराइजर है, और प्रेलूड आपका जो है वो फ्रेशर्स वेलकम फेस्ट है। कहने का मतलब जो आप फर्स्ट ईयर में जाओगे तो आपको एक अच्छी सी फ्रेशर पार्टी दी जाएगी, ये वाली। ठीक है, इसका नाम प्रेलूड है। ओके, अच्छा, सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स का कॉमन रूम अवेलेबल है जिसमें आपको इंडोर गेम्स की फैसिलिटीज भी मिल जाएगी, टेबल टेनिस कैरम चेस अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा, आउटडोर गेम्स की बात करें तो क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल, कबड्डी, ये सभी आउटडोर गेम्स आपको अवेलेबल है। कॉलेज के अंदर नहीं अवेलेबल है बट बाहर अवेलेबल है। ठीक, अच्छा, कुछ पिक्चर्स ये फेस्ट की है। ओके, ये फेस्ट का कुछ पिक्चर है, आप ध्यान से वीडियो पॉज करके देख सकते हो, बहुत ही अच्छा दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अच्छा, ये देख सकते हो जस्ट जो है यहाँ का एनुअल स्पोर्ट्स ऑफ एनएससीसी है, मतलब इस कॉलेज में एनुअल स्पोर्ट्स भी होता है, मतलब हर ईयर आपको एक स्पोर्ट्स कंडक्ट कराया जाएगा डिपार्टमेंटल वाइज, मतलब सीएससी आईटी में हो गया, सीएससी ईसी में हो गया, तो एक अच्छा कॉलेज लाइफ आपको एंजॉय करने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप स्पोर्ट्स लवर हो, मतलब आपको स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट आता है तो आप इस कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हो, अच्छा स्पोर्ट्स होता है इसमें। ठीक है, अच्छा, अब बात कर लेते हैं कॉलेज की प्रोज और कॉन्स के ऊपर। तो उससे पहले मैं आपको दो अपडेट दे दूंगा कि अगर आपको वेस्ट बंगाल के किसी भी कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन चाहिए, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन चाहिए, तो नीचे गूगल फॉर्म फिल कर लेना या फिर स्क्रीन पे कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा होगा उस पर कॉन्टेक्ट कर लेना। साथ ही में मैं आपको बता दूं कि हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं आपको काउंसलिंग। ओके, काउंसलिंग फॉर WBJEE, मतलब जो WBJEE रैंक होल्डर्स हैं या फिर जो JEE मेन रैंक होल्डर्स हैं जो WBJEE में काउंसलिंग कराना चाहते हैं उनके लिए फेज टू का काउंसलिंग होता है। फेज वन का काउंसलिंग जो होता है वो फॉर दो स्टूडेंट जो WBJEE के थ्रू कराना चाहते हैं, और फेज टू का काउंसलिंग उनके लिए होता है जो JEE मेन के थ्रू कराना सकते हैं बट WBJEE में। ठीक है, WBJEE में अगर ये काउंसलिंग आपको कराना है तो नीचे गूगल फॉर्म मिलेगा, जल्दी से आके इनरोल हो जाओ, सिर्फ प्राइस है उसका 199, आपको जल्दी से आके इनरोल हो जाना है अगर आपको काउंसलिंग का आइडिया नहीं है तो। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंसलिंग की हमारी टीम की होगी, पूरा फैसिलिटी मिलेगा आपको, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, सभी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा काउंसलिंग रिलेटेड। ठीक है, तो आपको जाके जल्दी से इनरोल हो जाना है अगर आपको इंटरेस्टेड हो काउंसलिंग के लिए तो। ठीक है, अच्छा, प्रॉस के ऊपर प्रॉस और कॉन्स पे बात कर लेते हैं। ठीक, तो प्लेसमेंट एनएससीसी का बहुत अच्छा है, मैंने आपको दिखाई दिया 60 LPA हाईएस्ट और 6.05 एवरेज ROI, मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्ट जो है ना इस कॉलेज का बहुत अच्छा है, मतलब जितना आप इन्वेस्ट करोगे उससे ज्यादा आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो ठीक है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्ट, बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं प्राइवेट कॉलेज जिनका प्लेसमेंट तो बहुत अच्छा होता है लेकिन उनकी फी भी ज्यादा होती है, ऐसा ये कॉलेज नहीं है, इसका फी भी ठीक ठाक है, प्लेसमेंट भी आपको ये अच्छा दिला देगा। ठीक है, फोटोग्राफी ये सभी क्लब्स जो है ना इसके अंदर बहुत ज्यादा है एनएससीसी के अंदर, तो ये भी एक प्रोज है कि आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी मिलेगा। ठीक, कोडिंग एनवायरनमेंट इस कॉलेज का अच्छा होता है क्योंकि अच्छे स्टूडेंट इसके अंदर जाते हैं, 12K के अंडर रैंक करने वाले जा रहे हैं तो अच्छी कोडिंग एनवायरनमेंट भी आपको मिलेगी। ठीक, अब बात कर लेते हैं नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर, तो नेगेटिव पॉइंट्स भी थोड़ा ज्यादा है इस कॉलेज का, देखना स्मॉल कैंपस है ये सबसे ज्यादा। अगर आपको कैंपस वाला कॉलेज चाहिए, मैं बार बार इन्फॉर्म करता हूँ, हल्दिया से बेटर कोई नहीं है। ओके, सबसे बड़ा कैंपस है इसका, बाकी IIM, हेरिटेज, टेक्नो, ये सभी छोटे कैंपस है। ठीक, इस कॉलेज का कैंपस भी बहुत छोटा है, प्लेग्राउंड्स कैंपस के अंदर नहीं अवेलेबल है, कैंटीन भी कैंपस के अंदर अवेलेबल नहीं है, हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो ये भी कॉन्स है। बाकी कोर ब्रांचेस की हालत बहुत खराब है, कोर ब्रांचेस में प्लेसमेंट ना के बराबर होता है कोर ब्रांचेस में। ठीक, तो अगर कोई स्टूडेंट सोच रहा है इस कॉलेज में कोर ब्रांचेस लेकर पढ़ाई करना तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि कोर ब्रांचेस उतना सही है नहीं इस कॉलेज का। ठीक, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट कॉलेज का रिव्यू करेंगे इसे ही, तब तक चैनल पे बने रहना, अगर पसंद आ रहा हो चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एंड दो गूगल फॉर्म मिल जाएगा आपको, वन फॉर काउंसलिंग, अगर आपको काउंसलिंग कराना है तो उसका गूगल फॉर्म जाके फिल कर सकते हो, और वन फॉर डायरेक्ट एडमिशन, मतलब अगर आपका रैंक सही है नहीं आया ना तो कॉलेजेस में आपका डायरेक्ट एडमिशन कुछ डोनेशन देके एडमिशन होता है उसके लिए भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नीचे स्क्रीन पे नंबर आपको दिख रहा होगा, नीचे गूगल फॉर्म अवेलेबल होगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।